वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। आज हम रिसेंटली जो हमारा प्रोजेक्ट है डॉग चक का, उसका जॉक क्रिएट करने वाले हैं। ये पार्ट टू है हमारा। तो इसके जो फीचर्स है, जैसे हमने यहाँ पे एक्सट्रूड बॉस बेस, एक्सट्रूड कट, फिर स्विफ्ट कट और दूसरे भी और टूल्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो वो आज हम देखेंगे ये पार्ट किस तरह से हमने डिज़ाइन किया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच, और यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम इसको मिड पॉइंट लाइन क्रिएट कर रहे हैं हम। स्मार्ट डायमेंशन, इसकी लेंथ हमें रखनी है 51 + 57 + 63 171। ये सब हमारे जो के पार्ट्स है, जो डायमेंशन हम अभी क्रिएट करेंगे उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करके इसकी 171 साइज रखी है। अब फिर से लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से हमें जॉक क्रिएट करना है। अब इसके डायमेंशन हम अप्लाई कर देते हैं। इसकी हाइट रहेगी 160.5। फिर इसकी विड्थ रहेगी 51। इस लाइन की विड्थ रहेगी 57 and 63। बाय डिफॉल्ट ये 63 आ गया है। अब इस लाइन से इस लाइन की हाइट 46 mm, और इस लाइन से इस लाइन की हाइट है 40 mm। तो इस तरह से देखिए हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। अब सिंपली हमें फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है। ब्लाइंड कंडीशन मिड प्लेन, और यहां पे इसकी विड्थ रहेगी 48.9 mm, और ओके कर देना है। अब टॉप फेस सिलेक्ट करनी है, स्केच, एक सेंटर लाइन हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। लाइन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, इस तरह से एक ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है। इसकी साइज रखनी है हमें 15 mm, और मिरर एंटिटी ये लाइनें हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, और मिरर अबाउट दिस लाइन, और ओके करना है। अब इसके बीच का डिस्टेंस रहेगा 22 mm,
और ओके कर देना है। देखिए ये स्केच भी फुली डिफाइन हो गया है। अब फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। सिंपली यहाँ पे थ्रू ऑल कर देना है और ओके कर देना है। अब मिरर में जाना है, फीचर में जाके मिरर में जाना है। मिरर में जाने के बाद यहाँ पे इसका मिड प्लेन सिलेक्ट करेंगे, तो मिड प्लेन है राइट प्लेन, और फीचर कट एक्सट्रूड और ओके करना है। देखिए ये कट इधर भी अप्लाई हो गया है इस तरह से। अब राइट प्लेन सिलेक्ट करना है स्केच, कॉर्नर रेक्टेंगल यहां पे क्रिएट करेंगे। इस तरह से दो कॉर्नर रेक्टेंगल हमने यहां पे क्रिएट किए है। अब एक सेंटर लाइन यहां पे ड्रॉ कर देनी है हमें। अब हम इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे। फिफ्टीन mm विथ और इसकी हाइट 14 mm। फिर इन दोनों के बीच की गैप रहेगी 13.2 mm। सिलेक्ट इस लाइन को सिलेक्ट करना है, होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन कोलिनियर कर देना है। फिर से इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इक्वल कर देना है। फिर ये इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इक्वल करना है। अब मिरर एंटिटी में जाना है हमें। मिरर एंटिटी में जाने के बाद इन दोनों स्क्वायर को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे मिरर अबाउट ये सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है। अब डायमेंशन में जाके इन दोनों के स्क्वायर का बीच का गैप हमें सेट करना है 33.9 mm। अभी एक डायमेंशन अभी बाकी है। यहां से इस फेस से इसकी हाइट 106 mm। ओके, देखिए अब हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। अब फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। मिड प्लेन यहाँ पे थ्रू ऑल बोथ भी कर सकते हैं हम और ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड में कट लग गए हैं। फिर से टॉप फेस को सिलेक्ट करना है और स्केच, यहां पे एक सेंटर सर्कल हम क्रिएट करेंगे। सर्कल क्रिएट कर हमने यहां पे किया है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है हमें और हॉरिजेंटल रिलेशन अप्लाई कर देना है। फिर इस लाइन को सिलेक्ट करना है, सर्कल को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है होल कंट्रोल की मदद से और मेक रिलेशन कोइंसिडेंट। इसका डायमीटर 160 mm और ओके कर देना है।
अब फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई कर देना है थ्रू ऑल और ओके करना है। देखिए इस तरह से इसकी इसका जो रेडियस है वो कट हो गया है। अब फीचर में जाके यहाँ पे मिरर फीचर को हमें मिरर करना है जो जो भी हमने फीचर अभी अप्लाई किया था। राइट प्लेन और कट एक्सट्रूड ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है और ओके। तो देखिए ये भी यहाँ भी रेडियस कट हो गया है। अब हमें इस टॉप फेस को फिर से सिलेक्ट करना है स्केच और यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करना है। फिर से सर्कल को सिलेक्ट करना है। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद होल्ड कंट्रोल की दबाना है। कंट्रोल की जो हमारे कीबोर्ड में है उसको होल्ड करके रखना है और फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन कोइंसिडेंट और ओके करना है। अब इसका डायमीटर हम अप्लाई करेंगे 190 mm। अब इस लाइन को इस सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करना है और सेंटर पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है मेक रिलेशन हॉरिजॉन्टल। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। एक्सट्रूड कट हमें अप्लाई कहाँ तक करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम अप टू सरफेस। सरफेस कौन सी है इस ये वाली और ओके करना है। फिर से इस फेस को सिलेक्ट करना है बॉटम वाली इस सेकंड वाले जो के जो पार्ट है इसको सिलेक्ट करना है और स्केच डायमेंशन वन नाइन्टी एम एम। सिलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट मेक रिलेशन हॉरिजॉन्टल ओके। सिलेक्ट दिस सर्कल एंड दिस पॉइंट मेक रिलेशन कोइंसिडेंट। फीचर में जाना है एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है अप टू सरफेस दिस फेस। फेस को सिलेक्ट करना है स्केच और यहाँ पे एक और सर्कल हम क्रिएट करेंगे। इसका डायमेंशन अप्लाई करेंगे 190 mm। स्मार्ट डायमेंशन आपको शिफ्ट की होल्ड करके रखनी है कीबोर्ड वाली और इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और इस रेडियस को सिलेक्ट करना है। इसकी साइज हमें रखनी है 20 mm। हॉरिजॉन्टल फीचर में जाना है एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। ब्लाइंड कंडीशन और यहां पे इसकी इसका कट जो डेप्थ में जाएगा वो 5 mm डीप रहेगी और ओके करना है। फिर से इस फेस को सिलेक्ट करेंगे स्केच सर्कल क्रिएट करेंगे वही 190। इसका डायमेंशन
फिर से होल्ड शिफ्ट की और इस रेडियस को सिलेक्ट करना है, और इस बार इसकी साइज रहेगी 13 mm। हॉरिजॉन्टल रिलेशन अप्लाई करेंगे, फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है, इसकी भी हाइट 5 mm यहाँ पे अप्लाई करनी है डीप में, और ओके कर देना है। फ्रंट प्लेन स्केच। अब हम यहाँ पे कुछ कट्स अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन। इसका डायमेंशन 80 mm है, 80 mm हमें अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे हम ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, ट्रायंगल की साइज रहेगी 5 mm। और यहाँ टॉप फेस से इसका सेंटर पॉइंट, इसकी साइज है 22 mm। इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन कोलिनियर। इसके कोइंसिडेंट रिलेशन को हमें डिलीट करना है, सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। अब फिर से इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन कोलिनियर। देखिए इस तरह से ये ट्रायंगल हमारा स्केच तैयार हो गया है। अब फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई कर देना है, सिंपली यहाँ पे थ्रू ऑल बोथ और ओके कर देना है। सॉरी, हमें एक्सट्रूड कट अप्लाई नहीं करना है, आपको जाना है फीचर में और यहाँ पे रिवॉल्व कट अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे एक्सिस लाइन हमने ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो गई है जो यहाँ पे हमने क्रिएट की थी, और ये प्रोफाइल हमारी जो रिवॉल्व कट हमें लगाना है वो सिलेक्ट हो गया है, ओके कर देना है। तो इस तरह से देखिए ये कट अप्लाई यहाँ पर हो गया है। अब हमें लीनियर पैटर्न में जाना है, लीनियर पैटर्न में जाके हमें डायरेक्शन यहाँ पे इसका डायरेक्शन सेट करना है। तो हमें ये लाइन सिलेक्ट करनी है, डाउन डाउन, ये देखिए एरो की डाउन में है, नीचे की साइड में हमें ये स्लॉट चाहिए सारे। अब इसकी गैप हमने ऊपर से कितना 22 रखा था, तो यहाँ भी 22 अप्लाई करेंगे, और इसके नंबर ऑफ पैटर्न रहेंगे 6 नंबर ऑफ पैटर्न। अब फीचर क्या था, फीचर था रिवॉल्व कट, तो यहाँ पे रिवॉल्व कट सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे सारे कट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। फिर से यहाँ पे फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद वही ट्रायंगल यहाँ पे क्रिएट करना है हमें। तो
इस तरह से एक ट्रायंगल क्रिएट करेंगे और इसकी साइज हम रखेंगे 5 mm, सिंपली इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और मैं एक रिलेशन को लीनियर कर देना है। अब इसकी इस टॉप फेस से इसकी हाइट रहेगी 17 mm। फिर से एक रिवॉल्व कट के लिए यहाँ पे सेंटर लाइन क्रिएट करेंगे, इसकी साइज इस फेस से इस लाइन की साइज रहेगी 80 mm। फीचर में जाएंगे और यहाँ पे रिवॉल्व कट अप्लाई करेंगे और ओके कर देना है। फिर से लिनियर पैटर्न में जाना है हमें, लिनियर पैटर्न में यहाँ पे हमें लाइन सिलेक्ट करनी है, हमने ये लाइन सिलेक्ट की है और यहाँ पे इसकी साइज रहेगी 17 mm, जो हमने ये क्रिएट किया था तब इसकी हाइट हमने 17 mm सेंटर से ली थी, तो वही 17 mm यहाँ पे अप्लाई करनी है। और नंबर ऑफ पैटर्न हमें यहाँ पे कम करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइट कम है, तो इसके 3 नंबर हम अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे सिंपली ये वाला रिवॉल्व कट अप्लाई कर देना है। तो देखिए कट्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। फिर से फ्रंट प्लेन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और स्केच सेंटर लाइन इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस रहेगा 95 mm। यहाँ पे ट्रायंगल ट्रायंगल क्रिएट करने के बाद इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 6 mm। और इस टॉप फेस से इसका सेंटर 9 mm। अब इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद होल कंट्रोल की दबाना है हमें, कंट्रोल की दबा के इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद कोलिनियर कर देना है और ओके हो गया है। सिंपली हमें फीचर में जाना है और यहाँ पे रिवॉल्व कट अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। लीनियर पैटर्न सेम हमने जो पिछली बार किया था उस तरह से, इसकी हाइट 9 mm, नंबर ऑफ पैटर्न नंबर ऑफ पैटर्न 4 कर देना है। यहाँ पे इसकी साइज थोड़ी कम कर देंगे हम 8.5, और फीचर कौन सा ये वाला रिवॉल्व कट हमें अप्लाई करना है यहाँ पे लीनियर पैटर्न में, बट यहाँ पे रिवर्स साइड में है तो हमें यहाँ से रिवर्स कर देना है और ओके कर देना है। फ्रंट प्लेन स्केच इस लाइन से इसका डिस्टेंस रहेगा 95 mm। ट्राइंगल की साइज रहेगी 6 mm और यहां से इसकी हाइट रहेगी 8.5 mm।
होल्ड कंट्रोल की दबाने के बाद इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है और कोलिनियर करना है। सिंपली फीचर में जाने के बाद यहाँ पे रिवॉल्व कट अप्लाई करेंगे और ओके कर देना है। लीनियर पैटर्न, यहाँ पे ये वाली लाइन हमें सिलेक्ट करनी है। इसका डिस्टेंस भी 8.5 हमने अप्लाई किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ पैटर्न कम हो जाएंगे, इसकी हाइट कम है इसलिए, और ओके कर देना है। फ्रंट प्लेन स्केच, यहाँ पे लाइन हमें क्रिएट करनी है। लाइन यहाँ पे हमने लाइन वाला टूल सिलेक्ट किया है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रोफाइल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक कट लगाना है हमें। इस तरह से एक स्केच तैयार करना है। अब इसकी साइज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस 6 mm, और यहाँ से ये डिग्री इसका एंगल रहेगा 55 डिग्री। 55 डिग्री यहाँ पे इसका एंगल रहेगा। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट रहेगी 4 mm। और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा 5 mm। अब इस लाइन को सिलेक्ट करना है होल कंट्रोल की करने के बाद इसको भी सिलेक्ट करना है। इस लाइन दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है और पैरेलल क्लोज कर देंगे। इस स्केच को क्लोज करने के बाद इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन कोइंसिडेंट। फुली डिफाइंड स्केच, कैलकुलेट एंड ओके। फिर से एक सेंट्रल लाइन यहाँ पे क्रिएट करनी है हमें रिवॉल्व कट के लिए, और इस फेस से इस लाइन का डिस्टेंस है 95 mm। फीचर में जाना है और रिवॉल्व कट अप्लाई करना है। इसी तरह फिर से हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच, लाइन, इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन पैरेलल।
इसका डिस्टेंस हमें अप्लाई करना है 5 mm, सॉरी 6 mm हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। अब इस पॉइंट से इसकी हाइट फोर एम एम, और इस फेस से इसका डिस्टेंस है 5 mm। सिलेक्ट दिस लाइन और इसका एंगल सिलेक्ट करेंगे 55 degree। इस लाइन को हॉरिजॉन्टल कर देना है, अरे सॉरी वर्टिकल कर देना है। इसको क्लोज कर देंगे हम, प्रोफाइल हमारी स्केच, ये प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। अब इस पॉइंट से बॉटम इसकी साइज रहेगी 75 mm और ओके करना है। फिर से एक सेंटर लाइन यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं और इसका डिस्टेंस हम रखेंगे इस फेस से, इसका डिस्टेंस रहेगा 95 mm। फीचर में जाने के बाद रिवॉल्व कट और ओके करना है। अब यहाँ पे चैम्फर अप्लाई करेंगे हम, टू एम एम एंड 45 degree। तो आप हमें ये ध्यान रखना है, हमें चैम्फर यहाँ पे इस वाले रेडियस वाले कट पे अप्लाई नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए कॉर्नर एजेस है, इनको सिलेक्ट करना है, इस फेस को हमें इंडिविजुअल ये सारी लाइनें सिलेक्ट कर देनी है। देखिए इस तरह से इसमें इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करना है और इसमें ये वाली, और ओके करना है। अब राइट प्लेन सिलेक्ट करना है स्केच और यहाँ पे एक सेंटर सॉरी सर्कल क्रिएट करेंगे। इस तरह से एक सर्कल क्रिएट करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन है यहाँ पे 31.8 mm। इसका डायमीटर 31.8 mm। इसको ड्रैग कर देना है ऊपर की साइड में इस तरह से। इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन वर्टिकल। अब सिंपली हमें शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है और इसका डायमेंशन यहाँ से इस रेडियस का अप्लाई करना है 5 mm। अब फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है।
यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है थ्रू ऑल बोथ और ओके करना है। फिर से राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे स्केच, इसका डायमेंशन रहेगा 37.2 mm। मेक रिलेशन वर्टिकल। अब फिर से शिफ्ट की होल्ड करके रखनी है और इन दोनों के बीच का गैप हमें यहां पे अप्लाई करना है 2.8 mm। तो फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए एक्सट्रूड कट अप्लाई करने किया है हमने, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए यहाँ पे थ्रू ऑल कर देते हैं और यहाँ पे हमें ऑफसेट करना पड़ेगा। ऑफसेट यहाँ पे हाइट रहेगी 70 mm, 70 mm करना है। और देखिए इस तरह से थ्रू वॉल और इस साइड में देखिए इतना ही कट लगेगा क्योंकि हमने 70 mm ऑफसेट किया है और ओके कर देना है। देखिए इस तरह से। अब मिरर में जाना है, मिरर में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है राइट प्लेन और फीचर है हमारा कट एक्सट्रूड और ओके करना है। अब फीचर में जाना है और यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करना है। इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका डिस्टेंस रखेंगे 20 mm और ओके करना है। तो इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे स्केच, तो हमने जो प्रीवियस जो सर्कल क्रिएट किया था उसको यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी कर देते हैं। वो सर्कल यहाँ पे क्रिएट करना है। इस प्लेन को हम हाइड कर देते हैं और आपको फीचर में जाना है और यहाँ पे हेलिक्स एंड स्पाइरल में जाना है। अब देखिए यहाँ पे हम थ्रेड क्रिएट करने वाले हैं, तो पिच एंड रेवोल्यूशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कांस्टेंट पिच। कांस्टेंट पिच में यहाँ पे इसकी साइज रहेगी 5.08, ये इसकी पिच है 5.08 mm। अब इसका रिवॉल्यूशन हमें सेट करना है, इसका रिवॉल्यूशन रहेगा 35। यहाँ पे देखिए रिवर्स डायरेक्शन लिखा है तो यहाँ पे टिक कर देना है। स्टार्ट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज है काउंटर क्लॉकवाइज, तो हमें यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज सिलेक्ट करना है और ओके करना है।
अब यहाँ पे फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे स्केच, और यहाँ पे एक कॉर्नर रेक्टेंगल क्रिएट करना है, यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन इसके बीच में क्रिएट करेंगे इस तरह से, और इसकी हाइट रहेगी, इसकी हाइट रहेगी 2.54 और इसकी टोटल हाइट रहेगी 6 mm। यहाँ पे सेंटर लाइन हम क्रिएट कर रहे हैं, और स्मार्ट डायमेंशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसका 2.5 mm। सिंपली इस पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट को हमें सिलेक्ट करना है, और होल कंट्रोल की और इस जो हेलिक्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट करना है और पियर्स कर देना है। एग्जिट कर देना है, और आपको फीचर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए स्विफ्ट कट है, इसको सिलेक्ट करना है। स्विफ्ट कट सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रोफाइल आपको सिलेक्ट करनी है, तो हमने प्रोफाइल ये सिलेक्ट किए, और इसका पाथ पाथ सिलेक्ट करना है। तो हमने जो स्पाइरल यहाँ पे क्रिएट किया था वो हमारा पाथ है, और देखिए यहाँ पे थ्रेड कट हो चुके हैं यहाँ पे, और ओके कर दीजिए। इसको हाइड कर देते हैं, देखिए इस तरह से ये हमारे थ्रेड यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। इसका अपीयरेंस हम अप्लाई कर देते हैं, मेटल में जाने के बाद स्टील में जाएंगे हम। स्टील में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ब्रश स्टील, ब्रश स्टील हमें अप्लाई कर देना है, इसको भी हम सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे हम सेव करेंगे इसको, क्योंकि हमारा एक पार्ट भी ऑलरेडी डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था। तो ये है चक जॉ। और सेव कर देते हैं, डॉग चक जो, और सेव कर देते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।